आमिर खान को अकेलेपन से लगता है डर, इसीलिए करते हैं बार बार शादी। पॉडकास्ट में किया खुलासा, तीसरी शादी को लेकर खुलकर कही सारी बातें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आजकल अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में रह रहे हैं, खासकर अपनी शादी को लेकर। अब तक वो दो बार शादी कर चुके हैं और दोनों ही बार उनकी शादी सफल नहीं रही, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी तीसरी शादी को लेकर खुलकर बात की है। रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आमिर खान से जब शादी पर सवाल पूछा गया तो आमिर ना तो संकुचाए ना ही घबराए। खुलकर बातचीत में आमिर खान ने बताया कि मेरी दो बार शादी हुई जो नाकाम रही। आमिर खान ने यह भी कहा है कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, पर अब इसका मतलब ये नहीं कि वो तीसरी बार शादी करेंगे। अंदर की बात तो ये है कि तलाक के बावजूद अपनी दोनों पत्नियों से काफी क्लोज है। आपको बता दें कि एक्टर ने बताया कि वो रीना और किरण के अब भी काफी क्लोज हैं, सब लोग एक ही परिवार की तरह रहते हैं। साथ ही आमिर ने ये भी बताया कि जिंदगी में कई ऐसे रिश्ते हैं जिनसे वो घिरे हैं, जिनमें उनके बच्चे भी आते हैं, यानी कि अब उनकी जिंदगी में तीसरी शादी और तीसरी पत्नी के लिए कोई जगह खाली नहीं है। वैसे आमिर का कहना है कि वो अब 59 के हो गए और लगता नहीं कि वो तीसरी बार शादी कर पाएंगे, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में भाई बहन, बच्चे, एक्स वाइफ सभी लोग हैं, तो किसी और की क्या जरूरत। अपने इसी पॉडकास्ट में रिया ने पूछा कि अगर वो अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ऐड डाले कि आमिर को तीसरी दुल्हनिया की तलाश है तो क्या आमिर सपोर्ट करेंगे। रिया की इस इमेजिनेशन पर आमिर खान हंस पड़े। उन्होंने कहा है कि तीसरी शादी का विज्ञापन अभी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूं और बेहतर इंसान बनने की राह में हूं। यानी कि दंगल गर्ल फातिमा सना शेख के साथ शादी करने की अफवाह पर आमिर खान ने पूरी तरह से लगाम लगा दी है। हालांकि बीच में काफी अफवाह उड़ी थी कि आमिर खान और फातिमा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाए, लेकिन रिया के पॉडकास्ट में आमिर ने क्लियर कर दिया कि शादी करने का कोई इरादा नहीं है, वो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुश है। शायद बेटी की शादी के बाद आमिर को रियलाइज हो गया है कि अब शादी की उम्र उनकी नहीं रह गई है, इसलिए तीसरी शादी को लेकर उन्होंने खुद पर लगाम लगा ली है। आपको क्या लगता है, आमिर अपनी बात पर टिके रहेंगे या नहीं? वेल, बाकी आप खुद ही सोच लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।